आज की ये शाम न केवल इसलिए यादगार होगी, आज के ये समारोह से हम पाकिस्तान और भारत के बीच कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का श्री गणेश उसका शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारे प्रोग्राम की पहली कड़ी है और आप लोगों की इतनी तादाद में तशरीफ़ लाना इस बात का ज़ामिन है कि पाकिस्तान और भारत के लोगों के बीच जो गहरे तहजीबी रिश्ते हैं वे हमेशा से ताज़े रहे हैं और ताज़े और बरकरार रहेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं सफ़ीर पाकिस्तान से जनाब नियाज नायक साहब से दरख्वास्त करूँगी कि कुछ लफ्ज़ कहें। शुक्रिया। इज़्ज़त नाब श्री तिवारी जी, श्रीमती वीना सीकरी और ख्वातीन हजरात, आज आप सब इस संगीत सभा में पधारे हैं, इसके लिए मैं आपको मुबारक और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वैसे तो दिल्ली में हर शाम ऐसी संगीत सभा होती हैं, लेकिन आज की इस सभा की अनोखी खसूसियत है और अहमियत भी है, जो कि श्रीमती वीना सीकरी ने आप उसका ज़िक्र भी किया है। आपको याद होगा कि पिछले दिसंबर में जब श्री राजीव गांधी पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पे दोनों लीडर्स की बातचीत के बाद 3 माहदों पे दस्तखत हुए, जिसमें से एक माहदा सकाफती माहदा था, और जिसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान इन अवाम दोनों ममालिक के अवाम में बहुत सकाफती तहजीबी और ये कदरें जो हैं ये मुश्तरक हैं और उनको पहचाना जाए, उनको उजागर किया जाए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस मुआहदे का आगाज़ आज यहाँ पे शुरू हुआ है, और जिसके लिए कि इज़्ज़त मआब श्री तिवारी जी, जो कि आजकल इतने मसरूफ़ हैं, उनकी इतनी और मसरूफियात हैं कि वो वक्त निकाल के आज हमारे साथ आए हैं। मुझे इस बात पे भी खुशी है कि इस कार्यक्रम का आगाज़ पाकिस्तान के दो बड़ी शख्सियत, दो कलाकार, उनसे शुरू हो रहा है, उस्ताद सलामत अली खान और इकबाल बानो। ये दोनों किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, ये जानी पहचानी हस्तियां हैं, और मेरी उम्मीद है, इच्छा है कि ये दोनों कलाकार कई बरसों तक अपने फ़न और अपने हुनर से दोनों ममालिक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और दोनों ममालिक के अवाम में जो दोस्ती के रिश्ते हैं उनको और मजबूत करेंगे। मैं ये कहा जाता है कि अगर किसी कार्यक्रम का आगाज़ अच्छा हो तो जो सफ़र होता है वो बहुत आसान हो जाता है, रास्ते की सब मुश्किलें दूर हो जाती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस आगाज़ से और इतने सामेईन की शिरकत से आई थिंक ये जो आगाज़ हुआ है वो बहुत नेक होगा, और परहैप्स हमारे दोनों ममालिक के दोस्ती के रिश्तों में ये संगे मील होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबको फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। धन्यवाद। शुक्रिया। अब मैं सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री के तिवारी से अनुरोध करूंगी कि वो कुछ कहें और आज के प्रोग्राम की इफ्तिताह करें। हिज एक्सलेंसी एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस हिस्टोरिक सिटी ऑफ दिल्ली एंड ऑन माय ओन बिहाफ आई वेलकम द delegation, cultural delegation from Punjab, from Pakistan, led by 2 very outstanding artists, musicians, Janab Salamat Ali Khan
and Mohtarma Iqbal Banu. You know that our relations, mutual relations between our two countries have acquired a new dynamism because of the determination of Prime Minister Rajiv Gandhi and Prime Minister Benazir Bhutto to further strengthen our age-old ties. And the best way to strengthen and foster these ties is to ensure free flow of artists, journalists, students, and writers between two countries, especially countries like India and Pakistan, who have so much in common and so much to share with each other. With these words, I welcome the delegation, and I assure them that wherever they go in India, they'll find that people of India will treat them as their very own. Thank you. इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की तरफ से पाकिस्तानी फ़नकारों की इस महफिल में मैं आप तमाम ख़वातीनों हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ. पाकिस्तानी शायरी अपना एक अलग मिजाज रखती है और हमारी शायरी से मुख्तलिफ है. पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे शायर का एक शेर मैं अक्सर पढ़ा करता था, लेकिन उसकी ताबीर मुझे अब मिली है. वो शेर बहुत से लोगों ने सुना है, लेकिन मैं दोबारा सुनाना चाहूँगा कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में बिसाया जाए. ख़वातीन हज़रात, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये तहजीबी माहदा, ये एग्रीमेंट जिसके तहत ये फ़नकार यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मोहब्बत का ऐसा ही शजर है जिसका साया दोनों देशों के आंगनों में फैल रहा है, और खुदा करे कि ये साया बढ़ता रहे और ये मोहब्बत परवान चढ़ती रहे. ख़वातीन हज़रात, हिंदुस्तान और पाकिस्तानी तहजीबों की जड़ें मोहनजोदड़ो, गंधारा, टेक्सला, मथुरा, बनारस, अजंता, अजमेर, कुतुब मीनार, ताजमहल और शालामार हर जगह फैली हुई हैं. इंसानियत नवाज रिवायात हज़ारों साल से दोनों मुल्कों की सरजमीन का खासा रही हैं और आज भी हैं. मौसीकी की ये महफिल उसी तहजीब और शाइस्तगी का एक हसीन संगम है. आज की महफिल की इब्तदा कर रहे हैं शाम 84 घराने के मुमताज़ फ़नकार उस्ताद सलामत अली ख़ान और उनके साहबजाद गान. दो साहबजादे यहाँ आए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ. इनकी क्लासिकी गायी ने संगीत का खूब खूब हक अदा किया है, अपने देश पाकिस्तान में भी और दूसरे देशों में भी. एक वक्त था जब नज़ाकत अली सलामत अली जोड़ी मौसीकी और संगीत की दुनिया में इज्जत और शोहरत के मालिक थी, और इन्होंने संगीत की दुनिया में वो कारहाए नुमाया अंजाम दिए जो सदा याद रखे जाएंगे. अपने भाई की जुदाई के बाद उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब ने अपने बेटे शराफत अली ख़ान साहब और दूसरे बेटे शफकत अली ख़ान साहब के साथ संगीत की उस रिवायत को जाया जो इनके पुरखों की देन है. सलामत अली ख़ान साहब अपनी तालीम और मिजाज के एतबार से के क्लासिकी जहन रखते हैं, इसके बावजूद ये ठुमरी और दादरा पेश करने में भी अपना मुमताज़ मकाम रखते हैं. गाना तो लोग रोज ही सुनते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ, ये ऐसी कंट्री है, मुल्क है जिसको गाने का घर कहना चाहिए. हाउस ऑफ म्यूजिक,
बहुत बड़े बड़े फनकार यहाँ रहते हैं और बहुत बड़े बड़े फनकार जिनको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे लोग यहाँ रहते हैं और गाना बजाना करते हैं। तो हम जो गाना बजाना कर रहे हैं ये भी वही गाना बजाना है जो यहाँ के फनकार करते हैं, रागदारी रागा म्यूजिक। शामवती ये मेरा बनाया हुआ राग है, मैंने कंपोज किया है। आर्टिस्ट किसी वक्त ऐसे मुकाम पे पहुंचता है उसको सुरों के जैसे शेर उतरते हैं दिमाग में, ऐसे सुर उतरते हैं, तो उन सुरों को जोड़ना, तरतीब देना उसे राग कहते हैं। तो वो तरतीब मैंने अल्लाह की मेहरबानी से दी है जो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। राग शामवती 5 सुर का राग है, इसमें जाती दफा तीव्र गंधार लगती है, जाती दफा कोमल गंधार लगती है। पंचम और रिक्व का सुर इसमें नहीं लगता। वादी मध्यम है, संवादी खरी है। इस राग का मूड ब्लेजेंट है और रोमांटिक है और इंतजारिया रंग है। बनपत ख्याल स्लो टेम्पो में, ताल इकवाई स्लो 16 बीट में बनपत का ख्याल गाएंगे। बराबर मीडियम टेम्पो में वो ख्याल भी 3 ताल में गाएंगे। दुरत तराना गाएंगे, ताल असूर फाकता 5 बीट्स। गाने में संगत कर रहे हैं मेरे शराफत अली खान, मेरा बड़ा बेटा, और मेरा छोटा बेटा शफकत अली खान। तबले पर संगत कर रहे हैं शौकत हुसैन खान, हमारे बड़े ही नामवर फनकार, और नाज़िम अली खान संगीत प्लेयर, वो संगीत पर संगत कर रहे हैं। हम सब मिलके आपकी खिदमत में राग शामवती पेश कर रहे हैं। शुक्रिया।
No.
Thank you.
ga ma da ni da ma ba ba ni da ga ma da ma ga ma da da ni da da ni da da ni da ga ni da da ne 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 da ne ne da ne da la ni da la da ni da ni da da ni da ma ba ni da ma ba ni da ga ma ba ga ma da ni ma da ma ni da da la da la ni ni da ga da ni da ma da ni ga ma da da ni da pi ya pi ya ma pi ya Oh,
आवाज के बल बनते हैं कुछ la
Oh,
की ईजाद है, उनका बनाया हुआ सिंफ है, और सुर फाख्ता ताल भी उनका बना हुआ है, पांच माते है। शेर बांधे जो मेरी जीत है मुरादा हो दिन दाना दे रे ना दादा ने दिन ये परी तेरा लोग कैसे हैं ये परी तेरा लोग कैसे हैं गम जाओ इश्वाओ अदारा है सब जाओ गुल कहां से आएगा क्या चीज है हवा क्या है जब के तुझ बिन नहीं कोई मोहब्बत जब के तुझ बिन नहीं कोई मौजूद गंगा मैसूरा Yeah.
ये लव सॉन्ग है। जो समझ समझ पछताए दिया ले गए ओरे मोरे गांव का को कहते हैं बंसी बजाए के बंसिया बजाए बंसिया बजाए बंजली बजाए बंसिया बजाए बंजली बजाए के बजाए अरे नैनो